असलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई ये है इन्फिनिक्स का हॉट 30। आज मैं स्मार्टफोन का पबजी टेस्ट करने वाला हूं। बेसिकली स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड किया गया है मीडियाटेक हीलियो G88, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से एक अच्छा चिपसेट है। 8GB की रैम मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी है। तो भाई स्मार्टफोन का पबजी टेस्ट तो करना बनता है। खैर स्मार्टफोन का पबजी टेस्ट करूंगा और आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि भाई ये स्मार्टफोन पबजी के अंदर कितने FPS प्रोवाइड करता है, क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन जो है वो पबजी के लिए कंसीडर करना भी चाहिए, पबजी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहती है स्मार्टफोन की, सारा कुछ इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और हां गाइस, कल मैंने स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड की है। अगर अभी तक आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो भाई क्या कर रहे हो भाई, फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक मिल जाएगा, लाजमी से चेकआउट कीजिएगा। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर फ्री फायर वाली थीम लगी हुई है, लेकिन हम तो पबजी टेस्ट करने वाले हैं। खैर पबजी का टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पबजी हमें ऑन करनी पड़ेगी। देखते हैं कि भाई पबजी जो है वो कितने सेकंड के अंदर लोड होती है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सो भाई ऑलमोस्ट 39 सेकंड लगे हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चल गई है स्टॉपवॉच। 39 सेकंड के अंदर ये जो पबजी है वो लोड हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोग देख सकते हैं स्मार्टफोन की 56% चार्जिंग है। और अगर मैं हीट की बात करूँ तो भाई ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी हीट नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ पर हाई है। गर्मी चल रही है भाई, मुझे भी पसीना आ रहा है। खैर सबसे पहले मैं आप लोगों को स्मार्टफोन के ग्राफिक्स चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ग्राफिक्स में जाते हैं। ग्राफिक्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्मूथ के साथ पावर सेविंग, मीडियम, हाई और अल्ट्रा तक ऑप्शन मिलते हैं। बैलेंस के अंदर भी आप लोग को अल्ट्रा तक ऑप्शन मिलते हैं। HD के अंदर हाई तक अवेलेबल है, उसके बाद HDR यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम खेलेंगे स्मूथ के साथ अल्ट्रा एंड इसको कर देते हैं कलरफुल, ओके करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैच लग चुका है। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद एडवांस कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ पर जायरो जो है वो पहले से ही ऑन है, इसको ऑलवेज ऑन करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जायरो दिखाता हूँ कि भाई कितना अच्छा वर्क करता है। सो भाई ये देखो, ये है स्मार्टफोन का जायरो, बिल्कुल हार्डवेयर बेस है, कोई यहाँ पर डिले देखने को नहीं मिलता। सो भाई अभी यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई गेम में कैसा परफॉर्म करता है ये स्मार्टफोन। बाकी यार देख लो, अभी तक तो कोई लैग वगैरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे स्मार्टफोन में, बिल्कुल स्मूथ चल रही है गेम। और हाँ एक और चीज़, अगर आप लोग स्मार्टफोन को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर भाई पंखा वगैरह नहीं है, एसी वगैरह नहीं है और आप लोगों ने ब्राइटनेस फुल की हुई है, तो भाई डेफिनेटली ये स्मार्टफोन जो है वो गर्म होगा, अदरवाइज ये स्मार्टफोन जो है वो हीट नहीं होता। अभी अगर मैं हीटिंग की बात करूँ तो भाई हल्का सा हीटअप हुआ है, बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा। अब ये जो हल्का सा हीट हुआ है ना, ये नॉर्मल है, ये सभी फ़ोन होते हैं भाई इतना बहुत तो हीट होते हैं, क्योंकि ज़ाहरी बात है मशीन है, वर्क कर रही है, तो उसने जो है वो गर्म तो होना ही होता है। सो भाई अभी हम खेलने वाले हैं सेंट्रोनी टीम डेथ मैच। ये मैच इस टाइम लग चुका है, पिछले मैच के अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, जायरो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, कोई भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिला। इसके अलावा गेम काफी ज्यादा स्मूथ चल रही थी, कोई लैग वगैरह का इशू देखने को नहीं मिला। अब देखते हैं कि भाई सेंट्रोनी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई किसी किस्म का कोई भी यहाँ पर शॉट गन है इसके पास। चल यार इस बार यार मैं भी गन चेंज करता हूँ। भाई आप लोग देख सकते हैं गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रही है, किसी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा। वो बम मार दिया किसी ने। गया ये तो।
यार गोलियां क्यों खत्म हो गई भाई। ओ यार सो गाइज मैच खत्म हो चुके हैं। चार्जिंग थी हमारी 48%, अब 45% रह चुकी है। सो गाइज अब मैं यहां पर आप लोगों को लिविक या फिर अरेंगल खेल के नहीं दिखाने वाला, वो तो बड़े बड़े मैच और भाई घंटों लग जाएगा उनको खेलते हुए, तो भाई उनको खेलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अवेयर करना है कि भाई परफॉर्मेंस जो है वो स्मार्टफोन की कैसी निकल कर आती है। तो आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा टीम डेथ मैच वगैरह से कि भाई स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस जो है वो गेमिंग के अंदर कैसी निकल कर आती है। सो भाई मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन ने गेमिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कोई लैग वगैरह का इशू देखने को नहीं, मेरा जायरो प्रॉपरली वर्क कर रहा था। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का बजट 45,000 रुपए तो आप लोग डेफिनेटली स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज का पबजी टेस्ट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।